मित्रों श्री कृष्ण जी के चरित्र का हम संक्षिप्त वर्णन आपको सुनाते हैं कि जी जी बोले कि हे जब माता पिता को को सुखी करने की इच्छा से बलभद्र साथ लेकर श्री कृष्ण जी शत्रु यूथों के स्वामी कंस को मारने लगे तब पहुंचते ही उसे बलपूर्वक राज सिंहासन से पृथ्वी में खींच लिया और पटक पटक कर मार डाला पश्चात उन विद्याओं के केंद्र सर्वशक्तिमान भगवान ने गुरु संदीपन मुनि से सब वेदों को विस्तार से पढ़कर उनके मृतक पुत्र को पानजन्न के पेट से निकालकर और गुरु के लिए गुरु दक्षिणा दिया फिर राजा भीष्म की कन्या रुक्मिणी को बीच स्वयंवर से हरण कर आतताइयों आतताई आत राजाओं का मान मर्दन कर उस लक्ष्मी रूपा के साथ गांधर्व विवाह किया फिर बिना नथे हुए बैलों को नाथ कर उन्होंने जीती को भी विवाह और मूर्ख राजाओं को अपने अस्त्रों से मारा भगवान ऐसे स्वतंत्र एवं अमित पराक्रमी थे उन्होंने सत्यभामा का प्रिय करने की इच्छा से स्त्री के बस होकर पारिजात लाने का वचन दिया जब वे इंद्रलोक में पारिजात पुष्प लेने गए तो देवताओं सहित इंद्र उनसे युद्ध करे करने आए श्री कृष्ण जी ने उन्हें परास्त किया फिर जब पृथ्वी देवी ने प्रार्थना किया तो उनके पुत्र भगदत्त को राजा बनाकर वे महत्वशाली भगवान पृथ्वी देवी के घर गए कितने ही राजाओं को उन्होंने बंधन मुक्त किया भौमा मारा कितनी ही अवलाओं का उद्धार किया सबका प्रेम पूर्ण कर एक ही बार अपने अनेक रूपों से उन्हें पुत्रवती बनाया उनकी वह विस्तृत माया बड़ी अपरंपार है उन्होंने अपनी योग माया के विस्तार से एक एक स्त्रियों में सर्व गुण संपन्न दस दस पुत्रों को उत्पन्न किया फिर जब काल यवन ने अपनी सेनाओं द्वारा नगर को घेर लिया तब जरासंध तथा शाल्व अदिक राजाओं को स्वयं नाश कर नाश कराकर अपने भक्तों तथा यदुवंशियों के प्रभाव और यश को बढ़ाया और शंबासुर द्विविध बाणासुर मूर तथा और भी अन्य कितने ही राजाओं को परधुमन और बलभद्रादिकों से नाश कराकर दंतबकरादिकों को स्वयं ही मारकर कर यमलोक को भेज दिया इसके पश्चात तुम्हारे भाई के पुत्रों माने पांडव कौरों कौरवों के दोनों पक्ष में आए हुए राजाओं का नाश कराया उन लोगों के सहायक राजाओं और उनकी बेहद सेना के भार से पृथ्वी कांप रही थी वे सब के सब आतताई यमलोक को गए और इस प्रकार कर्म दुशासन तथा शकुनी के दुष्ट परामर्श से आचरण करने वाले दुर्योधन की जांग टूटी और वे सब के सब मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े उस युद्ध में द्रोण और भीष्म का पराक्रम साधारण न था तथापि भक्त अर्जुन के प्रेम में जनार्दन भगवान श्री कृष्ण जी ने उन सबको धराशायी कराकर पृथ्वी का भार हल्का कर दिया किंतु इतना भी चमत्कार उनके लिए कुछ नहीं था और इस प्रकार वे बहुत बड़े बड़े कार्य कर डालते थे जब वही भगवान पृथ्वी पर विद्यमान थे तो सारा यदुवंश उनके नाम की दुहाई दे रहा था सारे संसार में उनकी तूती बोलती थी कि समय के परिवर्तन काल की महिमा और उनकी इच्छा सारे यदुवंशियों दुर्व्यसनों में फंस गए मदिरा पान करने लगे फिर आप जानते ही हैं कि मद्य पीकर कोई अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं कर सकता फिर तो ही हुआ जो होना था नशे के आवेश में ने परस्पर विवाद किया एक दूसरे एक एक ने दूसरे को गाली दी परिणामतः सब आपस में लड़कर स्वयं ही नष्ट हो गए तब विवश होकर श्री कृष्ण जी ने भी परम धाम की यात्रा की परंतु वे भगवान ऐसे थे कि समय आते ही इन्होंने खलो का संहार किया मूर्ख राजाओं को उनकी मूर्खता का उन्हें दंड दिया नागन जीती के विवाह में क्या क्या उपद्रव हुआ तथापि नागन की इच्छा करने वाले उन अस्तधारी मूर्ख राजाओं को श्री कृष्ण जी ने स्वयं अपने अस्त्र से मार मित्रों को आनंद दिया राजकुमारी उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने वाले वही थे उन्होंने युधिष्ठिर से तीन बार अश्वमेध जग कराया यह उन्हीं का प्रताप था उन्हीं भगवान श्री कृष्ण जी के बल से युधिष्ठिर को उनका राज मिला वे श्री कृष्ण जी सर्वदा शनमार्ग में स्थित रहते थे उन्होंने भली भांति सांख्य शास्त्र का अध्ययन किया था उनके प्रेमपूर्ण मुस्कानों अलभ्य दर्शनों और अमृत के समान वचनों से ही प्रसन्न होकर निर्दोष लक्ष्मी सर्दा, सर्वदा उनमें निवास करती है। उन्होंने अपने जीवन में कितनी अनाथ अवलाओं का उद्धार किया था कितनों को परलोक का सुख दिया और समस्त यदुवंशियों ने बहुत ही आनंद उठाया है परंतु इतना सब कुछ करते हुए गृहस्थ जीवन के अपूर्व सुखों में पड़े रहने पर भी जनार्दन श्री कृष्ण जी सर्वदा निष्प्रिय और बैरागयुक्त रहते थे वे पूर्ण योगी थे आज भी जो उनकी इस महिमा का स्मरण करते हुए योगुक्त हैं अथवा जो उनमें लव लगा देते हैं उसे प्रारब्ध की कोई चिंता नहीं रहती उद्धव जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी ने देखा जब यदुवंशियों में धर्म का हराश हो रहा है और सब के सब मदिरा पीते हैं तब उन्हें बड़ा दुख हुआ उन्होंने बहुत प्रकार से उसका प्रतिकार कराया परंतु मर्ज बढ़ता ही गया ज्यो ज्यो दवा की तब होने की प्रबलता विषमता का विनाश ऐसा विचार कर सबसे उदासीन हो श्री कृष्ण जी रथ पर सवार होकर प्रभास क्षेत्र को चले गए वहाँ पहुँच उन्होंने विधि पूर्वक स्नान कर जल से पितरों तथा ऋषियों को तर्पण दिया फिर फिर उन्होंने बहुत सी गुणवती गौ और सोना चांदी सया वस्त्र मृगचर्म कम्बल रथ हाथी कन्या सवारी और इस प्रकार कितने ही अन्नों का ढेर और बहुत सी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान दी सब उपस्थित यदुवंशियों ने मस्तक झुकाकर श्री कृष्ण जी को नमस्कार किया तो बोलिए जय श्री कृष्ण जय जै...